दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए BA LLB 10वें सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2022 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आज का सब्जेक्ट है कंप्यूटर एजुकेशन सेकंड। दोस्तों एग्जाम में पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें निम्न अनुसार प्रश्न होते हैं। पहला, सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि पहले प्रश्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। पहला ऑब्जेक्टिव पूछा गया था स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन होगा, क्योंकि विंडोज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा पूछा गया था प्रोसेसर का प्रमुख कार्य है। दोस्तों प्रोसेसर का प्रमुख कार्य होता है डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद तीसरा पूछा गया था आइकन इनमें से किसको व्यक्त करता है, आइकन इनमें से किसको व्यक्त करता है। दोस्तों ए ऑप्शन कहता है फाइल, बी प्रोग्राम, सी फोल्डर, डी ए सभी। जो डी है बिल्कुल सही होगा, ए सभी। इसके बाद चौथा पूछा गया था डेस्कटॉप पर कोई नया फोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है न्यू फोल्डर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद पांचवा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था फाइलों को किस में स्टोर कर व्यवस्थित किया जाता है। दोस्तों फाइलों को किस में स्टोर करके व्यवस्थित किया जाता है, इसका जो डी ऑप्शन है फोल्डर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दोस्तों आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे 5-10 नंबर के। दूसरा प्रश्न पूछा गया था सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के अधीन साइबर अपराध की परिभाषा दीजिए, इस अपराध की प्रकृति को विस्तार से समझाइए। इसके बाद तीसरा पूछा गया था साइबर अपराध के अनुसंधान के संदर्भ में पुलिस की शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद चौथा पूछा गया था स्टाफिंग को परिभाषित कीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दिए गए स्टाकिंग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछा गया निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, पहला आभासी अपराध, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा ईमेल, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखनी थी। इसके बाद छठवां पूछा गया डिजिटल अंकीय हस्ताक्षर से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। इसके बाद सातवां प्रश्न पूछा गया ईमेल क्या है, ईमेल भेजने और प्राप्त करने की मूल अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इसके बाद आठवां कंप्यूटर और कंप्यूटर
प्रणाली में नुकसान के लिए क्या शासित और प्रतिकर है, विवेचना कीजिए। इसके बाद नौवां, साइबर अपील अभिकरण की संरचना की विवेचना कीजिए। इसके बाद दसवां पूछा गया, डोमेन नेम की उपयोगिता और विवादों के बारे में बताइए। डोमेन नेम से संबंधित कानूनों का भी उल्लेख कीजिए। दोस्तों, BA LLB दसवें सेमेस्टर के एग्ज़ाम में कंप्यूटर सेकंड से यही 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो इस वीडियो से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।